इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बस रिएक्टर और लाइन रिएक्टर के बारे में। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा टॉपिक है और हमारे एक व्यूअर ने भी ये सजेस्ट किया था टॉपिक। तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, शंट रिएक्टर क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है सिस्टम में लगाने का, पावर सिस्टम में, और ऐसे ही उसकी नेम प्लेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिएक्टर और इंडक्टर। जैसा कि क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि जो रिएक्टर है वही इंडक्टर है, और इसका एक और नाम है, इसको हम चोक भी बोलते हैं अगर हम VFD में लगाते हैं तो। इसका मेन काम होता है कि ये जो करंट है ये करंट को रेजिस्ट करता है फॉल्ट की कंडीशन में, या फिर इनरश मतलब कि स्टार्टिंग में, या फिर आउटरश कंडीशन में। इस करंट एज वेल एज वोल्टेज ट्रांजिएंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा है हमारा फॉल्ट की कंडीशन में हाई मैग्नीट्यूड में, उसको रेजिस्ट करता है, या फिर हमारे वोल्टेज ट्रांजिएंट्स आते हैं, कोई लोड चेंज होता है उस वजह से भी ये उस वोल्टेज को भी रेजिस्ट करता है। लेकिन इसके एप्लीकेशंस के हिसाब से ये काम करता है। अगर हम इसको सीरीज में लगाते हैं तो हम इसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रिएक्टर, अगर हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं शंट रिएक्टर। ओके, ये क्या होता है, कोर होती है आयरन की कोर या फिर फेराइट की कोर, उस पर कंडक्टर वुंड होता है ऐसे, और इसी को ही हम बोलते हैं रिएक्टर या फिर इंडक्टर। पल से समझते हैं, अगर मैं कैपेसिटर बैंक की बात करूँ, कैपेसिटर बैंक में हमारा रिएक्टर लगता है। उसका मेन पर्पस होता है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है एकदम से ही चार्ज होता है और एकदम से ही डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो लीड करता है वी से। ओके, लेकिन अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो हमारा करंट जो है वो लैग करता है वी से। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है इस वेव फॉर्म में ये वोल्टेज है, और अब देखिए ये अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो आई हमारा 90 डिग्री लीड कर रहा है, लेकिन इंडक्टेंस के केस में हमारा जो आई है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब इनको कंपनसेट करता है ये रिएक्टर। रिएक्टर क्या करता है कि हमारे सिस्टम में रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करके उसको मेंटेन कर देता है या फिर कंपनसेट कर देता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे कैसे भी बने होते हैं ये, मतलब कि कितने टाइप के होते हैं ये। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टर हैं, इसको बोलते हैं हम, ये लाइन रिएक्टर है, एयर कोर लाइन रिएक्टर है, ये चोक है। लेकिन इन सब का काम क्या है, एक ही काम है, ये करंट को लिमिट करते हैं अगर हम इसको सीरीज में लगा देते हैं तो। ये देखिए एक कोर पे एक कंडक्टर वुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शंट रिएक्टर एंड लाइन और बस रिएक्टर। देखिए जैसा कि अभी डिस्कस किया था, अगर हमारा ये रिएक्टर पैरेलल में लगा है तो ये ट्रांसमिशन लाइन में हम लगाएंगे इसको, और इसी को बोलते हैं हम शंट रिएक्टर। लेकिन ये अगर हमारा लाइन में लगा है और इसको लगाते हैं हम सीरीज में, ओके, तो इसको हम बोलेंगे लाइन रिएक्टर या फिर करंट लिमिटिंग रिएक्टर, क्योंकि इसका काम होता है करंट को लिमिट करना। अब बस रिएक्टर और लाइन रिएक्टर क्या होता है, अगर हम इसको लाइन में लगा देते हैं तो हमारा ये लाइन रिएक्टर हो गया, अगर हम दो बस के बीच में इसको लगाते हैं तो ये बस रिएक्टर हो गया, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कनेक्टेड बिटवीन टू बस और टू सेक्शंस ऑफ सेम बस। ओके, ये क्या करता है, सिस्टम में एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को। देखिए और क्या करता है ये शंट रिएक्टर, ये मेंटेन करता है सिस्टम की वोल्टेज को, और जो वोल्टेज ट्रांजिएंट्स आते हैं ड्यूरिंग लोड चेंजिंग कंडीशन तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे सिस्टम में वोल्टेज को मेंटेन रख। ये क्या करता है, सिस्टम में हमारे जो कैपेसिटेंस है उसको कंपनसेट करता है और इंडक्टेंस को ऐड करता है, फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करता है। अब अगर हम लाइन रिएक्टर की बात करें तो ये क्या करता है, करंट को लिमिट करता है सिस्टम में, करता है अपोज करता है रैपिड चेंज को, मतलब कि कोई भी अगर चेंज आता है फॉल्ट की कंडीशन में या फिर स्पाइक्स को ये, और क्या करता है लाइन रिएक्टर, ये हार्मोनिक्स को भी फिल्टर करता है। डिफरेंसेस हैं शंट रिएक्टर और सीरीज रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस और फंक्शन ऑफ लाइन रिएक्टर। देखिए लाइन रिएक्टर लगाने का मेन पर्पस यही होता है जो भी डिस्कस किया है, कि ये क्या करता है हमारे सिस्टम में हार्मोनिक्स को फिल्टर करता है, करंट को लिमिट करता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशंस या फिर इनरश और आउटरश में, और स्पाइक्स को अपोज करके हमारे सिस्टम में फेलियर से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेयर आर लाइन एंड बस रिएक्टर यूज्ड और इट्स एप्लीकेशन।
देखिए अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो अगर हम जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है, ट्रांसमिशन लाइन में ही हम अगर देखें तो ये शंट में लगाए जाते हैं किस लिए, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए और फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए समझ लेते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। फेरेंटी इफेक्ट होता है, अगर हमारा सेंडिंग एंड पे वोल्टेज एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पे 11 kV है, ओके, और बीच में क्या होता है ग्राउंड के साथ ये कैपेसिटेंस बना लेता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है जो हमारा रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, मतलब कि वो कुछ 11.6 kV हो जाएगा। इसलिए इसको हम पैरेलल में रिएक्टर लगाते हैं, जिससे कि यह क्या करता है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है जैसा पहले बताया कि, और हमारे सिस्टम की वोल्टेज को मेंटेन रखता है, ओके। इसलिए इसको ट्रांसमिशन लाइन में लगाते हैं, इसकी एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है जब हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं तो VFDs में यूज़ करते हैं इसका। VFDs में क्यों यूज़ करते हैं, इसमें थायरिस्टर लगे होते हैं हमारे रेक्टिफायर में, जो थायरिस्टर लगे होते हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं हमारे करंट में अगर बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो वो क्या करता है उसको इक्विपमेंट को, इसको थायरिस्टर को हार्म कर देता है, इसको बचाने के लिए हमारे VFD में लगते हैं। और VFD में क्यों लगते हैं, ये हारमोनिक्स को भी फिल्टर करते हैं, थर्ड हारमोनिक्स को। थर्ड हारमोनिक क्या होता है, देखिए एक ही हमारी अगर फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी में 50 Hz अगर लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 50 साइकिल जो है ना, 1 सेकेंड में 50 साइकिल हमारा बनाता है, अगर हम करंट या वोल्टेज की बात करें उसके जो वेवफॉर्म होती है। तो ये थर्ड हार्मोनिक क्या करता है, एक में ही, एक ही साइकिल में तीन बार जो है अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है और हमारे जो वेवफॉर्म है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। ये मतलब कि हमारे सिस्टम में हेल्दी जो है वोल्टेज या फिर करंट का वेवफॉर्म बने, इसलिए ये हार्मोनिक्स को भी फिल्टर कर। अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो है कैपेसिटर बैंक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शनल टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। अब देखिए एक होता है हमारा ड्राई टाइप और एक होता है हमारा ऑयल इमर्स्ड, इनको बोलते हैं हम ड्राई टाइप और ऑयल इमर्स्ड रिएक्टर। अब ड्राई टाइप क्या होता है, ये हमारा लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, अप टू 33 kV तक होता है, उसके ऊपर जो है हम ये वाला रिएक्टर यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है डिफरेंस कि ये एयर कूल्ड होता है और ये नेचुरल वेंटिलेशन होता है इसका, ये जो पूरी अलग अलग इसमें कोर होती हैं उसमें वाइंडिंग्स वुंड होती हैं तो वो नेचुरल तरीके से कूलिंग होती है उनकी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पूरी कॉइल जो है इस जो इसका सेक्शन बनाया गया इसमें ऑयल में इमर्स कर देते हैं और उसी से ही उसकी कूलिंग होती है। तो ये जो है दो कंस्ट्रक्शनल टाइप्स ऑफ डिफरेंस हैं रिएक्टर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शंट रिएक्टर इन सीरीज रिएक्टर। देखिए टेक्निकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो शंट रिएक्टर इज एन एब्जॉर्बर ऑफ रिएक्टिव पावर, इट इज मोस्ट कॉम्पैक्ट डिवाइस कॉमनली यूज फॉर रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इन लॉन्ग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एंड इन केबल सिस्टम्स। जैसा कि पहले भी अपने डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टम में वोल्टेज को मेंटेन करता है, जब ये मेंटेन करता है तो इससे क्या होता है एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है पावर सिस्टम की और कॉस्टली होता है रिएक्टर से। अब देखिए सीरीज रिएक्टर जैसा कि अभी बताया कि ये शंट रिएक्टर तो ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं लेकिन सीरीज रिएक्टर लेस कॉस्ट के होते हैं, एज अ हार्मोनिक फिल्टर भी ये लगाते हैं। ये क्या करते हैं सिस्टम में इम्पीडेंस को मेंटेन करके रखते हैं और इसको हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रिएक्टर सीरीज रिएक्टर्स को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस रिएक्टर्स नेम प्लेट फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट। ये एक हमारे करंट लिमिटिंग रिएक्टर या फिर लाइन रिएक्टर नेम प्लेट है। सबसे पहले इसमें क्या लिखा होता है, KVAR 28.3 इसका KVAR है, वोल्टेज रेटेड वोल्टेज है 12 kV है, KV में है ये, और ये है हमारा 63.8 एम्पियर इसका रेटेड करंट है। ये एक फेज में एक यूज़ होता है, मतलब कि तीनों फेज के लिए अलग अलग रिएक्टर्स चाहिए होते हैं। फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 Hz, कूलिंग है इसकी एयर टाइप एयर नेचुरल सी। इम्पिडेंस पर फेज कितना है 7.63 ओम, ठीक है। टोटल वेट इसका ये है। BIL मतलब होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल, जो कि हमारा 28 kV पर 75 kV। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इम्पल्स वोल्टेज आता है उसको विदस्टैंड करता है ये, और ये क्या होता है हमारा इंसुलेशन लेवल बताता है कि हमारे सिस्टम में कितनी वोल्टेज तक ये बियर कर सकता है। ऐसे ही करंट की बात है, शॉर्ट सर्किट करंट ये किलो एम्प्स में होता है और ये 1000 के आसपास इसका, ये 2 सेकेंड तक ये इतने इतने अमाउंट ऑफ करंट को, ये इतने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को ये बियर कर सकता है। नेक्स्ट है इसका इंसुलेशन लेवल F है, टेम्परेचर राइज 90 डिग्री है, ओके। ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जितना ये बियर कर सकता है। अब इसका यूनिट होता है हेनरी, इसका यूनिट होता है SI यूनिट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा
XL इक्वल्स टू 1/2πfL। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा।